अपनी तुकबंदी के लिए परिचित, अपनी कविताओं के लिए चर्चित आरपीआई चीफ और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी अब कंगना और शिवसेना के बीच छिड़ी जुबानी जंग में कंगना के समर्थन में उतर आए। रिपब्लिकन पार्टी के चीफ अठावले ने कंगना को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया है। अगर कोई कंगना की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो आरपीआई के कार्यकर्ता उसे जरूर सबक सिखाएंगे, ऐसा कहना है आरपीआई चीफ का। अठावले ने मुंबई को लेकर दिए गए कंगना के बयानों पर कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। कंगना रनौत ने भी उसी अधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र की कोई बुराई नहीं की, बल्कि राज्य सरकार को आईना दिखाया है। जिस प्रकार से राज्य सरकार कंगना को मुंबई में आने से रोक रही है, ये बिल्कुल गलत है। वहीं अभिनेत्री कंगना ने भी अठावले के साथ के लिए उन्हें फोन कर उनका आभार व्यक्त किया है। फोन कर सुरक्षा और समर्थन देने के लिए शुक्रिया अदा किया है। कंगना ने कहा कि वो शुरू से ही मुंबई और महाराष्ट्र को पसंद करती हैं। अठावले ने भी उन्हें भरोसा दिया है। आगे अठावले ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र के विरोध में मैं भी एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन सरकार के ऊपर की गई टिप्पणी को मुंबई और महाराष्ट्र के ऊपर की गई टिप्पणी बताकर, बात का बतंगड़ बनाकर अगर कंगना को रोकने की साजिश हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर संजय राउत के अपशब्दों पर भी अठावले ने प्रकाश डाला। कहा कि भले ही राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार हो और शिवसेना उसमें सहयोगी दल, फिर भी संजय राउत को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। संजय राउत को कंगना रनौत को धमकी नहीं देनी चाहिए थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में कंगना ने राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणी की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मुंबई आने से रोकने की कार्रवाई की जाए। वहीं महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार कंगना और केंद्र सरकार पर आग बबूला है। कह रही है केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया है। जब कंगना और शिवसेना के बीच की इस जुबानी जंग से हालात तब ऐसे हैं जब कंगना मंडी में थी, अब जब कंगना मुंबई में होंगी तो हालात और खराब होने के आसार जताए जा रहे हैं। एक तरफ पीएमसी कंगना को कोरोना के चलते 14 दिन क्वारंटीन होने के लिए कह रही है, हालांकि आने से तुरंत पहले कंगना ने कोरोना का टेस्ट कराया है जिसमें उनका रिजल्ट नेगेटिव आया है। और फिर दूसरी तरफ शिवसेना की महिला विंग ने कंगना को सबक सिखाने की बात कही है। कंगना के दफ्तर में चल रहे निर्माण कार्य को भी सरकार की तरफ से बंद करवा दिया गया है। देखिए, जब एक पूरी सरकार एक महिला के ऊपर हावी होती है तो कार्रवाई कुछ इस तरह की होने लगती है। लेकिन कंगना भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम का ट्वीट कर मंडी से चली है। देखते हैं अब कंगना के बचाव पक्ष की जीत होती है या फिर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की।